क्या परेशानी है? आरपी की समस्या है। तो कितने साल पहले मालूम पड़ा आपको आरपी है? मेरे को 20 साल पहले। क्या होता था सबसे पहले? अंधेरे में देखने में बहुत समस्या होती थी। और फिर? और दिन ब दिन अब बढ़ते जा रहा है समस्या। साइड विजन आपका कब से कम हुआ? साइड विजन 15 साल से। तो क्या सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है? हाँ, उतरने में प्रॉब्लम होती है, चढ़ने में उतना नहीं होता। कोई दोस्त दूर से आपको हाथ हिलाता है वो दिख जाता है क्या? हाँ, दिख जाता है। दूर से कोई हाथ हिलाता है या आपसे हाथ मिलाता है तो आप देख लेते हैं? हाँ, देख लेते। कभी कभी नहीं देख पाता। कोई चाय वगैरह देता है तो? बन जाता है, कभी कभी गिर जाता है, मतलब पूरा मतलब नहीं दिखता। कब से ऐसा है? 5 साल हो गया। हाँ, मतलब कोई कहता है चाय ले लो, जमीन में रखा हुआ सामान से टकरा जाया करते हैं? हाँ, टकरा जाते हैं। वैसे कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने चेन्नई दिखाया और बरेली, उत्तर प्रदेश। चेन्नई में क्या बोला था आपसे? कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और आपने लोकल प्लेस पे दिखाया होगा? हाँ, लोकल प्लेस में दिखाया थे, वहाँ भी यही सुनने को मिला कि इसका इलाज ही नहीं है। उसके बाद? तो बस अब अपना मतलब योगा वगैरह कर रहे हैं, बाकी और कुछ तो नहीं है। आयुर्वेद दवाई लेने गए थे आप? गया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। कहाँ पर? बरेली डॉक्टर बासु के यहाँ। कितने महीने इलाज कराया? 2-3 महीना। कुछ फर्क महसूस हुआ? नहीं, कुछ महसूस। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक आंख बंद करिए आपकी, कितनी उंगली दिखती है मेरी? नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक उंगली ऐसा लग रहा है, चमक रहा है बस थोड़ा सा। अब 2, उसी को देख कर दिख रहा, बाकी ऐसा क्लियर नहीं दिखता, चमक दिख रही है ना? नहीं समझ में। देखो अब इसमें भी वैसे अच्छा सर, यार इसमें नहीं समझ, बस जो आपके उंगलियों के बीच में जो प्रकाश चमक रहा है बस वही दिखता है। देखिए कलर दिख रहे हैं आपको, कलर के अंदर कोई अक्षर लिखे हुए दिखते हैं क्या? लग रहा है, बाकी नहीं, क्लियर नहीं समझ में आ रहा। कल उसी आँख से देखो, इसमें भी वैसे ही। वैसे ही गोले बता सकते हो कौन कौन से कलर के हैं? गोले लाल कलर ऊपर के तीनों, नीचे हरा या पीला जैसा लग रहा है, कन्फर्म नहीं समझ में आ रहा सर। दूसरी आँख से? नहीं, भी वैसे ही है। कैसा? जैसे लाल, मतलब ऊपर तीनों लाल जैसे ही दिख रहे हैं और पीला या हरा चमक बस रहा है सर। वो कलर समझ में नहीं आ रहे हैं दूर के। हाँ। देखिए आपको पास का थोड़ा कम दिख रहा है, दूर की नज़र भी कमजोर है। हाँ। आप देखें कलर्स आपको दिख रहे हैं या नहीं? नहीं पता सर। इसमें क्या लिखा है? नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। नहीं, मतलब आपको डे ब्लाइंडनेस के साथ, नाइट ब्लाइंडनेस के साथ में डे ब्लाइंडनेस होती जा रही है। हाँ। साइड विजन खत्म हो गया है और कलर भी आपको दिखना बंद हो गए हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक विश्व की असाध्य बीमारी है जो आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ आई है। हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फर्क आपको जल्दी आए। आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है। हाँ सर। इसका मतलब ये होता है कि आपको इतना सामने देखते हैं तो आपको इतना दिखाई देता है, तो लेफ्ट आंख का विजन काफ़ी सुकड़ गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, लगभग 2 इंच के आसपास पेरिफेरी रह गई है, 1.5 इंच। इससे ज्यादा जो भी रोशनी बढ़ेगी आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से बढ़ी है? हाँ सर। हाँ सर। जो भी पेरिफेरल विजन बढ़ेगा? हाँ सर। क्या मानेंगे आप? कि डॉक्टर ऋषभ जैन की दवा के कारण ही मतलब यह सब ठीक हुआ। आपका राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है। हाँ सर। ये भी काफी सुकड़ा हुआ है। हाँ सर। 1.5 इंच, 1.25 इंच के आसपास, तो ये सरकमफ्रेंस है। ये जो 2 इंच की नज़र है ये लगभग आपकी, इसको कहा जाता है ट्यूबुलर विजन, जैसे आप कोई पाइप में से देख रहे हो, आसपास की कोई सामान आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसके कारण आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में, बाजार में चलने में क्या परेशानी होती है? अगल बगल से आने वाले दिखाई नहीं देते सर। हाँ, सीढ़ी चढ़ने में मतलब उतरने में दिक्कत होता है, ज़्यादातर चढ़ने में तो बन जाता है, नीचे नज़र करके चढ़ना पड़ता है। और उतरने में वो भी दिक्कत हो जाती है, दिक्कत समतल जैसा लगता है। अच्छा, सड़क पे चलते समय साइड में कोई आता है तो आपको दिखता है क्या? कभी कभी नहीं दिखता, बाकी दिखता है। क्या नजर आप चौकस करके घूमते हैं क्या, चारों तरफ देखते हुए आंख घुमाकर? थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है सर। कभी एक्सीडेंट वगैरह हुए क्या आपके इसके कारण? हाँ, साइड से आके कोई टकरा गया हो आपसे? हाँ सर। या आप किसी से टकरा गए हो? हाँ सर। कितनी बार हुए? कई बार हो गया। तो इससे कोई खतरनाक चोट तो नहीं लगी आपको? खतरनाक नहीं लगी है। आप डॉक्टर ऋषभ जैन के पास कैसे पहुंचे? यूट्यूब में वीडियो देखकर सर। यूट्यूब पे, नेट पे आपने वीडियो देखा? हाँ सर। लोग ठीक हो रहे हैं? हाँ। इसी विश्वास के साथ आप यहाँ आए? हाँ, हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी, आपका विश्वास पूर्ण हो और आपकी रोशनी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है।
और जीवन अंधकार में। आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, लगभग 2.5 इंच के आसपास पहुंच गया है, जो 1.5 इंच के आसपास था। तो इसके लिए बहुत सारी बधाई हो आपको। यूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी बढ़ना रुक गई है और इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। किसी भी चीज़ का शुरुआत होना सबसे बड़ी बात है। ये शुरुआत आपके जीवन में सफलता की ओर लेके जाएगी। ये प्रथम कदम आपका बड़ा है तो बहुत अच्छा हुआ है। दोनों आँखों में आपको 1 इंच का पेरिफेरल विजन बढ़ा है, तो बहुत सारी बधाई हो। दूर में और पास में भी आपको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है, वो चीज़ बढ़ती चली जाए, ये हमारे प्रयास रहेंगे। तो नया साल, गुजरा साल आपके लिए कामयाबी की शुरुआत लेके आया है और नया साल आपके लिए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।